वेलकम स्टूडेंट्स इन सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फैक्टराइज वाले चैप्टर कर रहे हैं अभी हम. वी हैव डन अप टू एक्सरसाइज 14.1. नाउ वी कंटिन्यू फ्रॉम एक्सरसाइज 14.2. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सपेंशन ए स्क्वायर प्लस 8 ए प्लस 16. यहाँ हम आइडेंटिटी का यूज़ करके इसके फैक्टराइज करेंगे. आइडेंटिटी है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है. इस फॉर्म में अगर सम हमारे पास में हो तो उसको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं. यहाँ हम सम देख रहे हैं ए स्क्वायर है, फिर प्लस अगर हम इस 16 को देखते हैं तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं. फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो हम लिखते हैं यहाँ ए स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे प्लस ये बी के प्लेस पे हमारे पास में 4 स्क्वायर है, मतलब बी की वैल्यू 4 होना चाहिए. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में 2ab आता है, हम यह लिखेंगे 2 इंटू ए, ए के प्लस में अपने पास में ए है तो वो लिख दिया इंटू बी, फॉर्मूले में बी है यहाँ और बी के प्लस पे हमारे पास में 4 है, उस 4 को लिखा. अब इन इस टर्म का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि जो 8a था वही लिखा हमने, 2 4 जाए 8a, मतलब ये अरेंज हो चुका है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. यहाँ तक सब सही लिखा है हमने, तब इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. अगर ये सब लिखा तो उसके प्लेस पे हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ भी ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स ए के प्लस पे हमारे पास में ए है और बी के प्लस पे 4 है, तो ए प्लस 4 का होल स्क्वायर. अब इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 टाइम लिख देंगे, ए प्लस 4 ए प्लस 4 इसका स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख दिया, इसके फैक्टराइज हो गया ए प्लस 4 ए प्लस 4. ऐसा ही हमको इसका थर्ड वाला सम करना है, 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9. यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स का कॉफिशेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो लिखते हैं 5m का होल स्क्वायर प्लस 30m प्लस 3 स्क्वायर. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में 2ab आना चाहिए, हम उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे क्या हमने 30m ही लिखा है. अगर ऐसा हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं. 2 लिखा हमने इनटू फॉर्मूले में ए है, ए की वैल्यू 5m है वो लिखी हमने यहाँ, इंटू बी और बी की वैल्यू 3 है वो यहाँ लिखी है. अब इसका मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, 2 5 जा 10 3 जा 30m, ये 30m ही था, हमने वही लिखा है यहाँ, मतलब सही है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है. तो ए के प्लस पे हमारे पास में 5m, तो यहाँ 5m लिखेंगे, प्लस बी के प्लस पे 3 है तो प्लस 3, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम लिख देंगे मल्टीप्लाई में, ये इसके फैक्टराइज है. अब इसका सिक्स्थ वाला सम कर रहे हैं, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर. तो वही हम देखेंगे कि क्या हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि हमारे पास में फर्स्ट और थर्ड वाली टर्म का. 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 121 का स्क्वायर रूट 11 होता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. हमने लिखा इसको 11b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 4c स्क्वायर. अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2ab लिख रहे हैं हम, तो 11b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के प्लेस पे हमारे पास में 11b है, इंटू बी के प्लेस पे 4c है. अब इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये 88bc आ रहा है. 11 2 जा 22 4 जा 88 बी और सी, मतलब 88bc आ रहा है, हम इसको राइट कर सकते हैं ऐसे. अभी फार्मूला बन गया हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. ए के प्लस पर 11b है, 11b माइनस बी के प्लस पर 4c है, 4c इसका होल स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दिया है, ये इसके फैक्टराइज हो गए हैं. ऐसे हमको अब इसका सेवंथ वाला सम करना है, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm. तो यहाँ हम ए प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे. ए स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2lm प्लस बी स्क्वायर मीन्स एम स्क्वायर माइनस 4lm यहाँ लिखा है हमारे पास में. एल स्क्वायर ऐसे ही लिखा हमने, 2lm में से 4lm को माइनस करेंगे क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है. 4lm में से 2lm को माइनस करेंगे, 2lm बचेगा, बड़ा वाला नंबर माइनस का इसलिए माइनस में बचेंगे, और प्लस एम स्क्वायर. फिर ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है. उस रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया एल माइनस एम होल स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को हमने 2 टाइम लिख दिया है. अब इसका एट वाला सम है, ए टू द पावर 4 प्लस 2a² b² प्लस बी टू द पावर 4. इसको हम ए टू द पावर 4 को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं,
बी टू द पावर 4 को बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमारे पास में ए के प्लेस पर ए स्क्वायर आ रहा है और बी के प्लेस पर बी स्क्वायर आता है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बीच में 2ab लिखते हैं अपन, 2 इंटू ए के प्लस पे ए स्क्वायर इंटू बी के प्लस पे बी स्क्वायर, और इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो सेम आ रहा है नंबर। अब फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए के प्लस पर ए स्क्वायर है और बी के प्लस पर बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर इसको हमने 2 टाइम लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फैक्टराइज करना है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। 4p को हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9q स्क्वायर को हम 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और एक आइडेंटिटी है हमारे पास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके फैक्टराइज ए प्लस बी ए माइनस बी रहेंगे। अब 2p प्लस 3q और 2p माइनस 3q, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा हमने ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसका सेकेंड वाला सम करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। अब यहाँ कोई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे और कॉमन फैक्टर बाद उसको निकालेंगे, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे इसको। जैसे 63 को हम 7 × 9 ए स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 112 को 7 × 16 लिख सकते हैं बी स्क्वायर। अब यहाँ 7 दोनों में कॉमन है, 7 को हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ से 9 ए स्क्वायर बचा है और माइनस के 16 बी स्क्वायर बचे हैं। 7 बाहर रहेगा, 9 को हम 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 बी स्क्वायर को हम 4b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, इसके अकॉर्डिंग 7 यहाँ लिखेंगे, एक बार इनको माइनस में लिख देंगे और एक बार इनको प्लस में लिख देंगे। अब इसका फिफ्थ वाला समय एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम होल स्क्वायर। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये पूरा ब्रैकेट ए स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट बी स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा, जैसे कि ये आइडेंटिटी है हमारे पास में। अब इनको हमें वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में लिखना है, तो वन टाइम माइनस में लिखना है इनको हमें, तो पहले लिखेंगे एल प्लस एम, प्लस वाला पहले लिख रहे हैं हम, प्लस ये लिखा हमने एल माइनस एम। अब वन टाइम हमने इन दोनों को प्लस में लिख लिया है, अब हम वन टाइम इनको माइनस में लिख रहे हैं, एल प्लस एम माइनस, जब यहाँ बाहर माइनस लगाएंगे तो इसके अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये एल प्लस एम हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस एम प्लस एम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ प्लस एल माइनस एल कैंसिल हो जाएंगे, एल और एल 2l हो जाएगा और एम और एम 2m हो जाएगा, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, एल एम 4lm इसका आंसर है। सेवंथ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस जेड स्क्वायर। अब यह फिर हम आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट ए स्क्वायर के प्लेस पर आएगा और ये जेड जो है वो बी स्क्वायर के प्लेस पर आएगा। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए माइनस बी ए प्लस बी आता है, तो ए प्लस बी, ए के प्लेस पर लिखा हमने एक्स माइनस वाई प्लस बी के प्लेस पर जेड है, फिर ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई माइनस बी के प्लेस पर जेड, ये जेड लिखा, तो इसके फैक्टर्स हो गए एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये इसका आंसर है। अब एट वाला सम कर रहे हैं, इसमें 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। यहाँ 2 ग्रुप में हो रहा है सम, कि ए स्क्वायर वाला बिल्कुल अलग रख देते हैं हम, बी और सी वाले का एक ग्रुप बना लेते हैं। इसको हमने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के इसको ब्रैकेट में लिख दिया, 25 ए स्क्वायर माइनस, बाहर माइनस से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था इसको प्लस का 4b स्क्वायर लिखा, प्लस के थे ये माइनस के 28 बी सी हो गए, ये माइनस का इसको प्लस का 49 सी स्क्वायर लिख दिया हमने। 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5a का होल स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को हम 2b स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस के 28 bc ऐसे ही लिखा, प्लस 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 49 c स्क्वायर को हमने लिखा हम 7c का होल स्क्वायर। 5a स्क्वायर माइनस ये 2b का होल स्क्वायर आया माइनस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू 2b इंटू b की वैल्यू हमारे पास में 7c है, वो यहाँ लिखी हमने, इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि यही आया है, 2 × 4 = 7 × 28 bc और प्लस के 7c स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a के प्लस पे 2b है और b के प्लस पे 7c है, तो 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर और इधर 5a का होल स्क्वायर चल ही रहा है। अब ये दोनों स्क्वायर में हो गए, इन दोनों को हम वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में लिखेंगे, तो 5a लिखा प्लस
ये बी के प्लेस पे टू बी माइनस फोर सी सेवन सी, टू बी माइनस सेवन सी लिखा हमने, फिर वन टाइम इनको माइनस में लिखना तो फाइव पे लिखा हमने, फिर माइनस करके लिखेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, टू बी प्लस सेवन सी हो जाएगा, ये इसका आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री कर रहे हैं हम, फैक्टराइज द एक्सपेंशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जैसे हमने अभी तक के सम किए वैसा ही इसको भी करना है। इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको निकालेंगे हम, यहाँ देख रहे हैं एक्स दोनों में एक्स को कॉमन निकाला हमने तो यहाँ से ए बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स बचेगा, प्लस यहाँ से एक्स को हमने बाहर कॉमन निकाल के लिखा तो सिर्फ बी बचेगा, तो इसके फैक्टराइज आ गए एक्स इंटू एक्स प्लस बी। थर्ड वाला क्वेश्चन है टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स जेड स्क्वायर। अब यहाँ तीनों ही टर्म में हम देख रहे हैं क्या कॉमन फैक्टर है, 2x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन सब में से हमने 2x को कॉमन निकाला, यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस ये कॉमन निकला यहाँ से वाई स्क्वायर बचेगा, 2x को कॉमन निकाला यहाँ से जेड स्क्वायर बचेगा, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका आंसर है। अब इसका फोर्थ वाला सम करते हैं हम, एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ हम देख रहे हैं दोनों टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और इन दोनों टर्म का एक ग्रुप बना लेते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में एम स्क्वायर दोनों में उसको कॉमन निकाला, यहाँ से ए बचेगा प्लस यहाँ से बी बचेगा, प्लस यहाँ एन स्क्वायर दोनों में इसको कॉमन निकाला, यहाँ से बी बचेगा प्लस ए, बी प्लस ए और ए प्लस बी एक ही बात है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए हम इसको कॉमन निकालेंगे ए प्लस बी को, यहाँ से बचेगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा एन स्क्वायर। ऐसे इसका सेवन्थ वाला सम कर रहे हैं हम, इसमें फाइव वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई माइनस एट जेड प्लस टू वाई जेड। फाइव वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वाई के फैक्टर्स किए हमने, फाइव इंटू फोर वाई माइनस एट जेड को टू इंटू फोर जेड लिखा, प्लस टू वाई जेड को टू वाई जेड ऐसे लिखा। फर्स्ट वाले ग्रुप में हम देख रहे हैं कि फाइव वाई दोनों में मिल रहा है तो फाइव वाई को कॉमन निकाला, फाइव कॉमन निकाल लिया वाई स्क्वायर में से वाई को कॉमन निकाला एक वाई बचेगा, माइनस फाइव वाई कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से फोर बचेगा, फिर माइनस टू दोनों में हो जेड दोनों में टू जेड को हमने कॉमन निकाला यहाँ से फोर बचेगा, माइनस यहाँ से वाई बचेगा, y माइनस फोर और फोर माइनस वाई ये डिफरेंट आ रहे हैं, इनको हमें सेम बनाना है तो फाइव फाइव इंटू वाई माइनस फोर तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस फोर माइनस वाई को y माइनस फोर करेंगे तो यहाँ से हमें माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, उस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ब्रैकेट फिर सेम हो गए। अगर ये प्लस वाले आगे पीछे लिखे होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस वाले हैं तो उसका साइन चेंज करके इनको सेम बनाना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ ऐसा किया। अब y माइनस फोर दोनों में इसको कॉमन निकाल के यहाँ लिख दिया, यहाँ से फाइव फाइव बचेगा प्लस टू जेड, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, फैक्टराइज एट द पावर फोर माइनस बी टू द पावर फोर। इसे हम अरेंज करेंगे, एट द पावर फोर को ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं बी टू द पावर फोर को। अब ये दोनों ब्रैकेट स्क्वायर में हैं, बीच में माइनस का साइन है तो इन दोनों को हम प्लस में और माइनस में लिखते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ तो फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ फिर से हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों फिर स्क्वायर में, बीच में माइनस का साइन है, इनको हमने वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में लिख दिया है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा ही रहा है, बस ये इसका आंसर है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका थर्ड वाला सम कर रहे हैं, एक्स टू द पावर फोर माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर फोर। तो इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस यहाँ पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये दोनों ब्रैकेट स्क्वायर में, बीच में माइनस का साइन है तो इन दोनों को हमने वन टाइम प्लस में लिखा और वन टाइम माइनस में लिखा है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ये दोनों फिर स्क्वायर में और बीच में माइनस का साइन है तो इन्हें वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में लिखा हमने, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। जब माइनस में लिखेंगे तो एक्स माइनस बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो माइनस जेड आएगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर और यहाँ आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये तीनों इसके फैक्टर्स है। इसका फिफ्थ वाला एट द पावर फोर माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर फोर। एट द पावर फोर को हम ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ही ऐसे ही लिखा हमने, प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया आपने, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए के प्लस पे ए स्क्वायर है, बी के प्लस पे बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है तो उसको हम टू टाइम लिख देंगे, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दूसरी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी ए माइनस बी राइट कर सकते हैं, तो इसके फैक्टर्स है। फिफ्थ का वाला क्वेश्चन करेंगे, फैक्टराइज करना है, फर्स्ट वाला है पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस एट। पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस इस एट को हम नाइन माइनस वन लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो एट तो नहीं होता है, नाइन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, इसलिए हमने यहाँ नाइन लिख दिया, एट के प्लेस पर हमने नाइन लिखा, वन ज़्यादा लिखा तो वन माइनस कर दिया,
अब इससे क्या होगा कि इसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस थ्री स्क्वायर माइनस वन ऐसा ही, ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन ऐसा ही रहेगा। इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों स्क्वायर में है तो इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, पी प्लस थ्री प्लस वन लिखा हमने वन टाइम और वन टाइम लिखा इसको पी प्लस थ्री माइनस वन, ये फैक्टर्स हो गए। और 3 प्लस वन फोर होता है तो p प्लस फोर आएगा, 3 माइनस वन टू रहेगा तो p प्लस टू, ये आंसर है इसका। अब इसका थर्ड वाला कर रहे हैं हम, पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी माइनस सिक्सटीन, पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी प्लस नाइन माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन। हम वैसे 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है लिख सकते हैं, लेकिन वो 2ab में अरेंज नहीं हो पाता है यहाँ, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 2ab में भी अरेंज करना है, 6 टू थ्री जा सिक्स होता है, मतलब यहाँ 3 का स्क्वायर होगा तभी ये 6 भी आ सकता है, इसलिए हमने यहाँ 9 लिखा है। अब हमारे पास में 16 था माइनस का और हमने प्लस के 9 लिख दिए, तो माइनस के 9 लिख दो और माइनस 16 पहले से ही था, हमने प्लस 9 माइनस 9 कर दिया। और 9 ही क्यों किया ये भी मैंने बताया आपको कि ये 6 लाने के लिए हमको 3 का स्क्वायर ही चाहिए यहाँ, और 3 का स्क्वायर 9 होता है इसलिए हमने प्लस 9 लिखा। अब इसको हमने अरेंज कर दिया ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में, और माइनस नाइन माइनस सिक्सटीन माइनस के 25 हो गए। इसको हमने लिखा है ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स पी प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिखा। अब ये दोनों स्क्वायर में तो इन्हें वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में लिखेंगे, पी प्लस थ्री प्लस फाइव और पी प्लस थ्री माइनस फाइव, पी प्लस फाइव को थ्री एड हो जाएगा और यहाँ फाइव में से थ्री को माइनस करेंगे तो माइनस के टू बचेंगे, तो पी माइनस टू, पी प्लस एट और पी माइनस टू, ये इसका फैक्टराइज हो गया। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई आपकी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।